नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने हंग्री स्पिरिट्स चैनल में। तो दोस्तों, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और एंटरटेनमेंट के लिए कुछ खास नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने भी ऐसे ही कुछ सर्च किया। आप लोगों से बात तो करते रहते हैं हम लोग, बट उसके अलावा और क्या है जो हम अच्छा देख सकते हैं और क्या है जो अच्छा हम कर सकते हैं। तो मैंने कुछ वेब सीरीज देखी जो कि मुझे अच्छी लगी और मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं और उनकी एक तरह से रैंकिंग करके आपको बताऊं कि मेरे हिसाब से उन वेब सीरीज की क्या रैंकिंग होनी चाहिए, ताकि आप लोग उसको जब देखें तो जो पहले नंबर पे आती है उसको पहले नंबर पे देखें और बाकियों को उसी हिसाब से और अपने हिसाब से बाद में फीडबैक भी दें कि क्या वाकई मेरी और आपकी राय मिलती है। तो बात करेंगे आज वेब सीरीज की रैंकिंग की। तो 7 वेब सीरीज देखी है मैंने, तो उनकी रैंकिंग क्या है और वो कैसे हैं आपको बताती हूँ। मगर पहले आप कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल। तो दोस्तों, जब हम वेब सीरीज की बात करते हैं तो बहुत कुछ माइंड में आता है कि पता नहीं क्या होगा। काफी लोगों का ये होता है कि पता नहीं गंदी वाली बातें हैं, ऐसी वेब सीरीज होंगी, गाली गलौच होता है, ये वो होता है, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं जो मेरे दिमाग में भी आई। मगर ये लॉकडाउन ने मुझे दिखाया कि नहीं, वेब सीरीज जो है उनको देखना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत मेहनत, बहुत पैसा और बहुत अच्छा कंटेंट होता है वेब सीरीज के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं कि जो मैंने पहले तो मैं बताऊंगी आपको कि मैंने कौन सी वेब सीरीज देखी है, उसके बाद भी देखूंगी तो आपको बताती रहूंगी टाइम टू टाइम। तो फिलहाल मैंने 7 के करीब वेब सीरीज देखी है जिनका नाम है स्पेशल ओप्स, असुर, जामतारा, द फैमिली मैन, सिटी ऑफ ड्रीम, भोकाल और द वर्डिक्ट। तो ये 7 सीरीज देखी है मैंने और इन 7 सीरीज में से कौन सी सीरीज जो मुझे सबसे बेस्ट लगी उसका नाम मैं सबसे एंड में लूंगी और कौन सी सीरीज जो है मुझे ओके टाइप लगी यानी कि नंबर 7 पे आती है उसका नाम मैं पहले लूंगी। तो सबसे पहले मैं नाम लूंगी द वर्डिक्ट का। तो वर्डिक्ट जो सीरीज है वो आपको याद होगा एक अक्षय कुमार की फिल्म आई थी वर्डिक्ट के ऊपर ही, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो वो सीरीज में जो मैंने देखा तो मुझे उतनी वो नहीं अपील कर पाई जितनी उस फिल्म ने मुझे अपील किया था। तो मे बी ये सीरीज रियलिटी पे हो, जो हुआ था उसके ऊपर हो, बट इतना मुझे ये सीरीज अपील नहीं कर पाई। बहुत ही उससे गर्मी से शुरू हुई मगर बहुत ही ठंडे उसमें वो खत्म हो गई। तो मतलब आगे उसका कुछ मुझे लग नहीं रहा कि कुछ आएगा, बट कोई नया केस आता, जैसे सीरीज का नाम था सेठ वर्सेस नानावटी द वर्डिक्ट, तो वो वर्डिक्ट क्या हुआ, उस वर्डिक्ट का क्या हुआ, वो सब चीजें इसमें दिखाई दी गई हैं। मगर अगर मैंने पहले से फिल्म देखी है अक्षय कुमार वाली तो डेफिनेटली उस चीज का असर मुझे होगा इस सीरीज को देखने के बाद, वो फिल्म मुझे ज्यादा अच्छी लगेगी। तो इसको मैं 7 नंबर पे रखती हूँ। तो नंबर 6 पे जिस सीरीज को मैं देखती हूँ वो है भोकाल। जी हाँ, भोकाल एक ऐसी सीरीज है जो मुजफ्फरनगर के ऊपर किया गया है, उसके जो उनका वहां के जो माहौल है उसके ऊपर है। एक जो ऑफिसर है वो वहां पे जाते हैं, तो ऑफिसर जो है वो मेरे बड़े फेवरेट एक्टर हैं जिनको मैंने एक ऐसे रूप में उनको बहुत ही अच्छे से मैंने उनकी एक्टिंग का मजा लिया था, उनकी फिल्में भी बहुत आ चुकी हैं। उनका नाम है मोहित राणा। मोहित राणा ने बहुत अच्छे से काम किया है, मगर इस सीरीज का जो मुझे लगा कि उतना वो नहीं बांध पाई जितना कि उस सीरीज की डिमांड थी, जो होना चाहिए था। तो काफी जो चीजें होती हैं सीरीज में जब आती हैं, काफी रियलिटी भी इसमें दिखाई दी गई है, बट काफी जो पॉइंट्स है वो लैक करती है ये सीरीज। कि इस सीरीज में जैसे मोहित राणा का वहां पे आना एज बड़ा ऑफिसर पुलिस का, और वहां पे फिर पूरा प्रोग्राम जो उनका बनता है, जो उनके ऑपरेशंस होते हैं वहां के जो मशहूर गुंडे हैं उनके साथ, वो सारे ऑपरेशंस यहाँ पे दिखाए गए हैं। और काफी हद तक जो पुलिस के महकमे के अंदर की जो बातें होती वो भी दिखाई गई हैं। मगर अगर ओवरऑल हम देखें तो
एंड जिस तरह से दिखाया गया है और जैसे उन्होंने हुक को लेने के लिए उस एंड को छोड़ा है, जानबूझ के लगता है कि वो एंड छोड़ा गया है जानबूझकर, क्योंकि अगर सीरीज को लेके चले तो सीरीज में दो कंपटीटर दिखाए गए हैं जो दोनों आपस में लड़ते हैं और उसकी वजह से दंगे होते हैं, तो जिस कंपटीटर को वो मारते हैं यानी कि जिस एक गैंग को खत्म करते हैं उससे ज्यादा डेंजरस गैंग उस दूसरी जगह पे है, उसी एरिया में जो उन्होंने बांटे हुए हैं, बट वो गैंग आधा अधूरा ही छोड़ के वो ऑपरेशन खत्म और उनके ट्रांसफर की बात हो जाती है। तो ये मुझे थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला लगा कि ये जानबूझ के छोड़ा गया है ताकि अगली जो इसका पार्ट टू बने उसमें लोग उसको देखें, बट इसको अगर दिखाना था अगले पार्ट टू में तो उनको लास्ट में लेना चाहिए था मेरे हिसाब से, उस पर्टिकुलर ट्रैक को जो दूसरी पार्टी का था जहां पे वो कस्मे तक ले जाते कि अगर वहां की जो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो दूसरे गैंग की लेडी होती है कि अगर मेरे भाई के कातिल को नहीं मारा यानी कि पुलिस वाले मोहित राणा को नहीं मारा तो मैं अपने बच्चे को मार दूंगी जो मेरे पेट के अंदर है, तो यहां तक की बातें होती है, मगर वो बातें आगे सामने नहीं आती है क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो अगली उसमें दिखाएंगे, बट वो प्वाइंट अगर अगले में दिखाना था तो इतनी जल्दी उस पॉइंट को पैरेलल ट्रैक के तौर पे इस वेब सीरीज में शुरू नहीं करना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से भौकाल है नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे मैं देखती हूँ मनोज वाजपेयी साहब की द फैमिली मैन। एक तो यहाँ पे मुझे मनोज वाजपेयी की कास्टिंग इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी जो उनका दिखाया गया है, जितना एक्टिव पार्ट उनका है एज जो रॉ एजेंट है या जो भी उनका वहां पे जो डिपार्टमेंट है जिसके वो बताए गए हैं, तो उस डिपार्टमेंट के हिसाब से उनका जो करेक्टर का एज है वो ज्यादा लगता है मुझे मेरे हिसाब से, तो क्योंकि वो ऑपरेशन खुद करने जाते हैं, खुद जाते हैं वहां पे लड़ाइयां करने वो सब करने, तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि ये तो उनके लिए थोड़ा कास्ट के हिसाब से उनका इतना जमा नहीं मुझे, मैं अपनी बात बता रही हूँ। तो दूसरा मुझे नहीं जमा कि उनके जो कुछ ट्रैक्स हैं जो शुरू किए गए मगर खत्म नहीं किए गए, कुछ बातों को इसमें सिर्फ सस्पेंस क्रिएट करने के लिए लाया गया। हाँ इसमें अच्छी बात थी जो मिलिटेंट का जिन्होंने रोल किया था उन्होंने बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से निभाया और काफी उनके रोल में दम था, और डेफिनेटली आपको अपनी खुद राय भी बनानी पड़ेगी क्योंकि वेब सीरीज जो होती है वो बहुत अच्छे पॉइंट से शुरू होते हैं, ये भी बहुत अच्छे पॉइंट से शुरू हुई है, फैमिली भी दिखाई है कि फैमिली मैन कैसे फैमिली को भी अपनी को सेट रखता है और बट उस सेटलमेंट में भी क्या गड़बड़े होती वो सब दिखाया गया है, तो आप देखिएगा जरूर। तो नंबर 5 पे आती है मनोज वाजपेयी की द फैमिली मैन। नंबर 4 पे मैं देखती हूँ स्पेशल ओप्स। जी हाँ ये बहुत ही इसकी प्रमोशन हुई थी सीरीज की जिसमें के एज रॉ एजेंट हैं और वो प्रोमो में ही बोलते हुए नजर आते हैं कि 5 नहीं 6 उग्रवादी थे, तो पार्लियामेंट अटैक दिखाया है, इसमें बड़ी बड़ी लोकेशंस हैं, महंगी लोकेशंस हैं, आउट ऑफ इंडिया शूट है, बहुत कुछ है और बहुत कुछ है इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर भी, तो काफी अच्छी वेब सीरीज है बट बीच बीच में थोड़ा ड्रैग कर जाती है, बीच में थोड़ा बोर कर जाती है, तो इसलिए इसको मैं नंबर 4 पे रखती हूँ क्योंकि नंबर 4 पे आना ये डिजर्व करती है क्योंकि इसके पीछे की जो स्टोरी है जो पॉइंट इस सीरीज ने उठाए हैं उन पॉइंट्स पे ध्यान होना बहुत ही जरूरी है और किस तरह से ऑपरेशंस होते हैं वो भी देखने में मजा आता है, तो जरूर देखिएगा। इसमें काफी यंग टैलेंट को चांस मिला है करने का, काफी अच्छे अच्छे कास्ट है, के के साथ साथ काफी अच्छे जो बोलते हैं ना ह्यूमरस पॉइंट्स भी हैं, डायलॉग्स भी हैं वो भी जो अच्छे लगते हैं और कैसे एक फैमिली में अंडरस्टैंडिंग है वो भी दिखाई देती है, कैसे पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को इसको बांधा गया है, तो ये भी देखने लायक है, तो आप देखिएगा क्योंकि मेरे हिसाब से ये नंबर 4 पे आती है। आप अपने हिसाब से बताइएगा स्पेशल ओप्स को आप कितना नंबर देते हैं। नंबर 3 पे आती है सिटी ऑफ ड्रीम। जी हाँ दोस्तों ये वेब सीरीज मुझे काफी अच्छी लगी, काफी आप बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप पे बहुत बड़ा सवाल है इस वेब सीरीज के थ्रू कि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनके रिलेशनशिप कैसे बनते हैं कैसे बिगड़ते हैं, बड़े बड़े नाम है इस वेब सीरीज में जैसे कि सचिन है, अतुल कुलकर्णी है, सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ चंद्रेकर, एजाज खान है ना, और फ्लोरा सैनी, प्रिया बापट और उदय टिकेकर, ये सारे बड़े बड़े नाम इस वेब सीरीज में हैं और इस वेब सीरीज में बड़े अच्छे अच्छे करेक्टर्स हैं, खास करके एक करेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा जिसने बहुत ही सिंपल एक नौकरी पेशा आदमी का रोल किया जो नौकरी करता है
बड़ी ईमानदारी से, मगर जो नौकरी कर रहा है उसमें ईमानदारी नहीं है, उसमें धोखा है। आप लोग देखिएगा, ये वेब सीरीज काफी अच्छी है और मेरे हिसाब से इस वेब सीरीज को नंबर 3 पे होना बहुत ज्यादा डिजर्विंग है। नंबर 2 पे आती है अरशद वारसी की असुर। जी हाँ दोस्तों, असुर सीरीज का काफी प्रमोशन हुआ था, आप लोगों को पता होगा, हमने काफी प्रोमोज देखे थे असुर को लेके, बट जब मैंने वेब सीरीज देखी तो असल में समझ आया कि ये असुर किसकी बात हो रही है। असुर आपके इनर असुर की बात हो रही है, जो वेब सीरीज के थ्रू दिखाया गया, एक बच्चे की कहानी जो कैसे उनके अंदर थ्रू जो ज्ञान हम लोग रोज सुनते हैं, रोज हम लोग अपने ग्रंथ पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग समझते हैं बड़े बड़ों से, उन सबको समझ के कैसे एक बच्चा एक अलग ही डायरेक्शन में चला जाता है और असुर बन जाता है, और वो असुर वहीं पे खत्म नहीं होता है, वो आगे भी कैरी ऑन होता है। तो ये काफी टेक्निकली स्ट्रांग थी ये वाली वेब सीरीज, और काफी अच्छे से डायलॉग्स को बुना गया था, काफी अच्छे से प्रेजेंट किया गया था, खास करके वो इक्वेशन जिसमें 3 लोगों को जो कि बहुत ही पॉपुलर लोग हैं उनको एक ऐसे कमरे में बंद करते हैं जहां पे गैस यानी कि ऑक्सीजन खत्म होती जाती है और ये असुर ही प्लानिंग करते हैं, और कैसे एक दूसरे को मारने पे वो लोग मजबूर हो जाते हैं क्योंकि अगर एक खत्म होगा तो बाकी लोगों को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी। तो ये असुर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्लानिंग ह्यूमन के टेस्ट लेने के लिए करता रहता है इस वेब सीरीज में, और अरशद वारसी को कैसे वो एक्सपोज करते हैं एंड में, और लोगों को ये समझ में आता है कि कहां पे भूल हुई अरशद वारसी से भी। और बहुत से कैरेक्टर्स हैं इस वेब सीरीज में, एक्टर्स हैं बहुत अच्छे अच्छे आप देखिएगा जरूर, अच्छी वेब सीरीज है। तो इसको मैं लेके आती हूँ नंबर 2 के ऊपर। तो लास्ट में बात करते हैं नंबर 1 की, जो मुझे बहुत ही पसंद आई वो वेब सीरीज है जामतारा। जी हाँ दोस्तों, जामतारा रियलिटी बेस्ड वेब सीरीज है ऐसा लगता है, क्योंकि वो चीज हम अपनी लाइफ में भी फेस करते हैं। मगर जब इस वेब सीरीज को मैंने देखा तो ये देख के बहुत ही मुझे हैरानी हुई कि इस पूरे की पूरी चीजों के पीछे यूथ है, यंग जनरेशन है, जो अभी 18 भी नहीं क्रॉस कर पाई है, उनके साथ कैसे खिलवाड़ करते हैं लोग, कैसे वो खुद भी ऐसी चीजें करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कैसे वो फोन कॉल्स के थ्रू लोगों के पैसों को हड़पते हैं और कैसे वो पैसा उनके लिए नुकसानदायक होता है। तो ये पूरी की पूरी वेब सीरीज एकदम टाइट है, आपको बांध के रखती है एंड तक, और आप देखना चाहते हैं कि रियल वर्ल्ड में ऐसा गांव में, छोटे छोटे गांव में जब ऐसा यूथ उठता है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो 10वीं पास है, जिन्होंने कुछ डिग्री भी हासिल नहीं किया, वो टेक्निकली स्ट्रांग होकर कितने बड़े बड़े काम कर जाते हैं। तो ये वेब सीरीज जामतारा मुझे बड़ी अच्छी लगी, ना तो इसमें कोई स्टार कास्ट इतनी बड़ी थी और बहुत ही ऐसे इसमें कास्ट थे जिनको हमने बाकी वेब सीरीज में छोटे छोटे रोल करते हुए देखा होगा, वो इस जामतारा सीरीज की स्पेशल कास्ट में थे। तो आप लोग देखिएगा ये सीरीज जो है जामतारा मेरे लिए है नंबर 1 के ऊपर। तो ये थे दोस्तों मेरे 7 सीरीज को लेके मेरे रिव्यूज भी और रैंकिंग भी, आपको कैसा लगा आप देखिएगा, फिर आप बताइएगा ये सीरीज को अगर आपके पास समय हो, और फिर हम लोग फिर से इस पे बात भी कर सकते हैं, और मीनवाइल अगर मैं और कोई सीरीज देखती हूँ तो उसके बारे में भी मैं आपसे रेगुलर बातें करती रहूंगी, टच में रहूंगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।